असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के सबसे बड़े निवास स्थान, पक्षियों की 600 से ज्यादा प्रजातियां और डॉल्फिन की बढ़ती आबादी और बाघों के सबसे ज्यादा घनत्व वाले स्थानों में से एक है। ये सबसे पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन भी है, जो देश और दुनिया भर से पर्यटकों का आकर्षण केंद्र भी है। अब बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्य असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। जंगल सफारी के दौरान वो हाथी पर बैठे नजर आए। उन्होंने जीप से भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ सफर तय किया। पीएम मोदी 8 मार्च की शाम को काजीरंगा नेशनल पार्क में ही रुके थे। यहाँ 2200 से ज्यादा भारतीय एक सींग वाले गैंडे रहते हैं, जो इनकी कुल विश्व आबादी के लगभग 2/3 हिस्सा है। मैरी कर्जन की सिफारिश पर साल 1908 में विकसित ये पार्क पूर्वी हिमालय जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट गोलाघाट और नावगांव के किनारे बसा हुआ है। इस पार्क को 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। पीएम मोदी अपनी पूर्वोत्तर यात्रा के दौरान केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें बरौनी से गुवाहाटी पाइपलाइन में 3,992 करोड़ रुपए की परियोजना भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पूर्वोत्तर में हैं। जंगल सफारी के बाद पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अरुणाचल में 18,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी दोपहर को जोरहट लौटेंगे और महान अहोम सेनापति की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलर का उद्घाटन भी करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद पीएम मोदी मैलिंग मेतई पथोर जाएंगे, जहां वो लगभग 18,000 करोड़ की केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।